हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वापस से। एसएससी एमटीएस 2022 जो है वो एग्ज़ाम, कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं और बहुत सारे बचे हैं। 13 तारीख से फिर से स्टार्ट है, 13 जून से। तो कैरियर ग्रोथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, कैरियर में कैसे ग्रोथ हो सकते हैं। मैंने सैलरी की बात ऑलरेडी कर चुके हूँ मैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कैरियर ग्रोथ की। तो अनअकैडमी प्लस अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो 2023 में अगर आपका टारगेट है कि आप एसएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम लोग एसएससी एमटीएस जॉब पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एमटीएस में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्रीज में ये चयन होता है। द पोस्ट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। और यहाँ की जो पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है कि क्या आपको कहाँ पे कैसा काम करना है, किस तरीके से काम करना है। जिसमें बेसिकली कुछ पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, चौकीदार, गार्डियनर, गेट कीपर, ऑपरेटर और पियोन साथ ही में जमादार, ये इस तरीके की पोस्ट होती है। लेकिन कुछ अब चीज़ें बदल चुकी हैं। इनके अलावा कुछ कुछ इसमें जो पोस्ट है कुछ हटा दिए गए हैं, जैसे जमादार की पोस्ट हटा दी गई है। अब कुछ नए पोस्ट इसमें ऐड कर दिए गए। देखो, अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी एमटीएस में अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरीके से है। जैसे मेंटेनिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, आपको क्या है एक ऑफिस का, जिस ऑफिस में आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने का जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि आप जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करें। क्लीनिंग ऑफिसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफिसेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी गेट कीपर की मान लीजिए हो गई, तो आपकी जो ऑफिस है उसको आप साफ करना, ओपन करना और क्लोज करना। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, देखो मेंटेनिंग रिकॉर्ड और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में दोनों में डिफरेंस है। एक है क्या कि आपको रिकॉर्ड को बचा के रखना है, ठीक है, यानी आप उसको ख़राब ना होने दीजिए, उस पर पानी वगैरह गिर ना गिरे, या फिर बरसात से, या फिर कीड़ों से उसको बचा के रखिए, ये होता है मेंटेनेंस। और मेंटेनिंग का मतलब क्या होता है, फाइल को मेंटेन करना, डे बाय डे आपको मेंटेन करना होता है। तो दोनों ही काम एमटीएस के होते हैं। रूम एंड फर्नीचर क्लीनिंग, डिलीवरिंग पोस्ट पोस्ट ड्राइविंग व्हीकल्स, वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, वर्क रिलीज बाय आईटीआई क्वालिफायर क्वालिफिकेशन, मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रिशियन टाइप भी काम होते हैं कि अगर आपको ऑफिसर्स का जो कुछ ख़राब होता है तो उसको देखना, उसको समझना और उसको चीज़ों को बदलना। एनी अदर वर्क असिस्ट बाय द सुपरवाइजर्स, और आपके सुपरवाइजर जो होंगे या फिर आपके बड़े पोस्ट जो होंगे उनके द्वारा असिस्ट किया गया कोई और काम जो भी आपको करना पड़ सकता है। अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे इन हैंड सैलरी, इससे तो बढ़ गई है बच्चे, अब ये हो गई है 18,000 से लेके 22,000 के बीच में। सिटी कैटेगरी मैंने आपको बताया ही कि कौन कौन सी सिटी में किस किस तरह की सैलरी मिलती है। एक्स सब जो की जहाँ की सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, वाई जो कि एक्स से कम मिलती है, और जेड जो कि सबसे ज़्यादा कम सैलरी यहाँ पे जेड सिटीज़ में मिलती है, ठीक है। एक्स में बहुत कम सिटीज़ आती हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा रखा है कि सैलरी में सिटीज़ अलग अलग तरीके की कौन कौन सी सिटी आती हैं। अदर बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, ये देखिए, पेंशन स्कीम, जैसा कि न्यू पेंशन स्कीम है, सब में चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, वही यहाँ पे एमटीएस में भी अप्लाई होता है। सर्टन अमाउंट डिडक्टेड मंथली फ्रॉम योर सैलरी अंडर द एनपीएस, और एक अच्छा सर्टन अमाउंट जो है आपके सैलरी से कटता है। मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको एम्प्लॉय और मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी और उनकी फैमिली में। जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके माता पिता की इंक्लूडेड रहती है। अगर आपकी आपका विवाह हो गया है तो फिर आपकी वाइफ का भी जो सैलरी है, सॉरी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें इंक्लूड हो जाएगी। एनुअल इंक्रीमेंट जो है, देयर इज आल्सो रिसीव ईयरली इंक्रीमेंट देयर सैलरी इन द लेटेस्ट पे कमीशन आर द आल्सो अप्लीकेबल टू देम इन द अर्लीस्ट। यानी कि यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट भी होते हैं, जिस तरीके से आप एसएससी सीजीएल से पोस्ट पे सेलेक्ट हो या फिर किसी भी पोस्ट पे सेलेक्ट हो, जिस तरह से वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है वैसे ही एमटीएस की सभी पोस्ट पे भी इंक्रीमेंट होता है। ट्रांसफर अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं ड्यूरिंग द रीलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द पोस्टिंग। एसएससी एमटीएस एम्प्लॉयज आर आल्सो पेड द ट्रांसफर अलाउंस एज पर देयर बेसिक पे। आपकी बेसिक पे के हिसाब से आपको ट्रांसफर अलाउंस दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी आपको आपकी बेसिक पे के हिसाब से दिए जाते हैं। एसएससी एमटीएम वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट सच एज सीबीएसई या फिर सीबीडीटी वेयर यूनिफॉर्म आर रिक्वायर्ड आर पेड एनुअल यूनिफॉर्म अलाउंस आर वेजबल। यानी जिस जगह पे एन यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है उस जगह पे आपको यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, उसके पैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एसएससी एमटीएस पोस्ट पे होने के बावजूद भी। आपको मैं आपको एक दिल्ली का एक पुराना आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ जो बच्चा सेलेक्ट हुआ था। बच्चे बेसिक पे यहाँ पे 19,100 रुपये है, 29,000
323 रुपये था उस समय, ये 2 साल पहले की सैलरी स्लिप है, यानी अभी के प्रेजेंट टाइम में ये 32,000 रुपये लगभग हो चुका होगा, और इन हैंड सैलरी यहाँ पे आपको 28 से 29 हज़ार रुपये मिलेगी। तो ये सैलरी स्लिप है, तो 28 से 29 हज़ार सैलरी आपकी बेसिक पे और उसको मिला के होती है, यानी आप लगभग मान के चलिए 30,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलता है, अगर आपका दिल्ली में पोस्टिंग होगी SSC MTS के थ्रू तो। ठीक है भाई, चलो अब देखो कैरियर ग्रोथ में क्या है। सबसे पहले आप 3 साल बाद 1900 ग्रेड पे जाएंगे, फिर 2000 ग्रेड पे जाएंगे, फिर 2400 ग्रेड पे, और एट लास्ट आप 5400 ग्रेड पे आपको ये नौकरी लगेगी। यानी आप जब SA होंगे, यानी सेक्शन ऑफिसर होंगे, तो आपकी जो ग्रेड पे हो जाएगी वो 5400 हो जाएगी, और अब उससे पहले आपकी जो ग्रेड पे रहेगी बच्चे वो 2800, यहाँ पे देख सकते हैं 2400 होगी, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क होती है, UDC। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पे रहेंगे तो भी आपकी जो ग्रेड पे है वो 2400 ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलाउंसेस जो है इसमें ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे कम मिलते हैं। यहाँ पे आपकी 2000 होगी, सॉरी यहाँ पे आपकी 2000 होगी, और यहाँ पे आपकी 1900 ग्रेड पे की नौकरी होगी जब आप लोअर डिवीजन क्लर्क पे पोस्ट करेंगे, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होता है MTS पे, मल्टी टास्किंग स्टाफ के पोस्ट पे, तो फिर उसके बाद आप बनते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है 1900 ग्रेड पे भी। फिर उसके बाद आप असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, ये आप 3 साल बाद होता है, आफ्टर 3 ईयर, और इसके आफ्टर 3 ईयर ये होता है। ठीक है, और इसके आफ्टर 5 ईयर बच्चे ये आप बनते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क के 5 साल बाद आप अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, और इसके बाद रिटायरमेंट के टाइम तक आपको सेक्शन ऑफिसर बना दिया जाता है, 5400 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हैं। यानी कि MTS में सिलेक्शन होने के बाद भी आप इतने अच्छे पोस्ट तक जा सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये आपका कैरियर ग्रोथ है SSC MTS में सिलेक्शन के बाद। तो बच्चे आई होप कि आपको मोटिवेशन इससे मिला होगा, और आप अपनी तैयारी एक अच्छे लेवल पे करने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम में अपनी तैयारी आप करते रहिए, बेहतरीन तरीके से करते रहिए। अनअकैडमी ने इस बार बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड सिलेक्शन दिया है SSC CGL 2022 में, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पे बच्चे 8 जून से SSC CHSL 2023 का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें प्री प्लस मेंस को टारगेट किया जा रहा है। एम नाम से बैच शुरू हो रहा है SSC CPO 2023 का, जो कि 8 जून से ही स्टार्ट हो रहा है बच्चे, और ये यहाँ पे आपको वो सभी चीज़ें दी जाएंगी, साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF भी दिया जाएगा, प्लस बुक के फॉर्म में भी उपलब्ध है। तो आइकॉनिक के मेंबर आपको बनेंगे तो आपको बुक दिया जाएगा, नहीं तो PDF फॉर्म में आपको रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी ये चीज़ें हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है SSC MTS में भी सिलेक्शन होने के बाद, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, और एक अच्छी जीवन के लिए आपको पहले से शुभकामनाएं। अपनी तैयारी आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होकर करते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए। सो बाय बाय, टेक केयर।